आखिरकार पकड़ी गई वो लेडी ड्रग पैडलर जो लंबे समय से अपने ही गांव में युवाओं को नशा बेचने का काम जो है था वो कर रही थी और काफी समय से लगातार अपने ही गांव के युवाओं को नशे का आदि बनाने की कोशिश जो है वो कर रही थी। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस के शिकंजे में एक लेडी ड्रग पैडलर जो है फिलहाल वो आ चुकी है और आपको बताते चले अपने ही गांव के युवाओं को लंबे समय से ड्रग्स का शिकार और ड्रग्स के आदि बनाने की कोशिश जो है ये महिला कर रही थी, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस के हिरासत में ये महिला जो है आ चुकी है। और पूरी जानकारी आपको बताते चले ये जो मामला है डिस्ट्रिक्ट कठुआ से जो है सामने आ रहा है, जिसमें फिलहाल एक लेडी को फिलहाल एक लेडी ड्रग पैडलर को रंगे हाथों जो है वो हिरासत में ले लिया है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 2.44 ग्राम्स हीरोइन जो है वो उनसे बरामद की गई है और फिलहाल उनको हिरासत में ले लिया गया है। जी हाँ, पूरी जानकारी आपको बताते चले जिसमें फिलहाल ये पूरा एक नाका जो है वो लगाया गया था और उस नाके के दौरान एक लेडी के ऊपर जो है पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद उस लेडी को वहां पर रोका गया और तलाशी के बाद यानी फ्रिस्किंग के बाद उस लेडी से 44 ग्राम के लगभग जो है 2.44 ग्राम्स के लगभग हीरोइन जो है वो बरामद की गई और काफी समय से लेडी को लेकर कंप्लेंट जो है वो पुलिस के समक्ष जो है वो आ रही थी और उसमें साफ बताया जा रहा था कि एक लेडी अपने ही गांव में युवाओं को नशा जो है वो बेच रही है और नशे का आदि बनाने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो भी सामने आ रही है। आपको बताते चले लेडी का नाम जो है प्रिया देवी जो है वो बताया जा रहा है, जो कि वाइफ ऑफ कमलेश कुमार हैं और रहने वाले हैं चक द्राब खान और तहसील डिस्ट्रिक्ट कठुआ के ये रहने वाले हैं। फिलहाल इनको जो है हिरासत में ले लिया है और आपको बताते चले फिलहाल जो FIR जो है वो भी दर्ज कर ली गई है। FIR नंबर की बात करते चले तो 384/2023 अंडर सेक्शन 8, 21, 22 NDPS एक्ट के तहत मामला जो है फिलहाल पुलिस स्टेशन कठुआ के अंदर दर्ज कर लिया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल इसमें शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा DSP हेडक्वार्टर्स कठुआ श्री मंजीत सिंह जी और इसके साथ साथ इंस्पेक्टर सुधीर संडोत्रा जी को, जो कि SHO है पुलिस स्टेशन कठुआ के, जो कि लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार काम कर रही है कि ड्रग्स पैडलर जो युवाओं को नशे का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नशे का आदि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है और एक मुहिम जो है वो चला रहे कि जम्मू कश्मीर को जो है वो ड्रग फ्री जो है वो बनाना है। तो ये एक बड़ी खबर कठुआ से सामने आ रही थी, जिसमें एक लेडी ड्रग पैडलर को फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जो लंबे समय से अपने ही गांव में युवाओं को नशा बेचने की कोशिश में थे और काफ़ी युवाओं को नशे का जो था वो शिकार बनाया था, नशे का आदि बनाया था, लेकिन फिलहाल उस लेडी को जो है हिरासत में ले लिया है।